श्रोता बंधु नमस्कार, मु डॉक्टर शिशिर दास रेडियो सुरभिर अध्यक्ष आपणमानंकु स्वागत करुछि एक अभिनव कार्यक्रम को। विगत पांच वर्ष मध्यरे रेडियो सुरभि शिक्षा कृषि ठारु आरंभ करी जीविका पर्यंत विभिन्न कार्यक्रम परिवेषण करि आसुछि। आजि ठारु सेहिपरि शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम अंतर्गत एक नुआ शिक्षा दिगंत उन्मोचन हेउछि, जहार ना चालंतु जानिबा इतिहास बा लेट्स नो हिस्ट्री। एही कार्यक्रम द्वारा ओडिशार महाविद्यालय पढ़ुथिबा छात्र छात्री एवं विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा देउथिबा प्रार्थी माने विशेष उपकृत हेबे। रेडियो सुरभिर एही अभिनव कार्यक्रम सारा भारतवर्षरे प्रथम बोली अभिहित करा जाई पारे। एही ऐतिहासिक कार्यक्रमर समस्त प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करिछन्ति इतिहास विभाग प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास और सहयोग करिछन्ति श्रीमती नीलिमा दास। आसंतु सुनिबा इतिहास। नमस्कार, कोरापुट सरकारी महाविद्यालय इतिहास विभागीय मुख्य प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास महोदय लेट्स नो हिस्ट्री मध्यम छात्र छात्री मानक झरी आसीथिबा से विशेष पाठ्य खसड़ा संबलित संक्षिप्त प्रश्नोत्तर कार्यक्रम उपस्थापन रे मु नीलिमा दास आपण मानंकु स्वागत करुछि। आज आम शुणा इल्तुतमिश संपर्क रे। साम्राज्य प्रतिष्ठार दौड़े मध्ययुगीय भारत वर्ष रे निज निजर स्वतंत्र परिचय को सृष्टि करिबा पई जेउ विदेशी व्यक्तिगण सेमानंकर दक्षता प्रदर्शन करिथिले एवं मौलिकता को पाथेय करी स्वतंत्र परिचय को सृष्टि करि पारिथिले सेमानंकर मध्यरे दासवंशर प्रतिष्ठाता इल्तुतमिश किभली राज्य विस्तार करिथिले से संपर्करे आजिर प्रश्न उत्तर। प्रश्न एक, केउ सम्राट दिल्लीर सुल्तान हेबा पई इल्तुतमिशंक सह प्रतिद्वंदिता करिथिले। उत्तर, गजनीर सम्राट ताज उद्दीन इल्डोज। प्रश्न दुई, इल्तुतमिशंक शासन समय रे सिंधु ओ मुल्तान रो शासनकर्ता किए थिले। उत्तर, नासिरुद्दीन काबाजा। प्रश्न तीनी, केबे इल्तुतमिश गजनीर शासक ताज उद्दीन इल्डोज को परास्त करिथिले। उत्तर, 1216 मसीहारे। प्रश्न चारि, केबे सिंधु ओ मुल्तान रो शासनकर्ता नासिरुद्दीन काबाजा को परास्त करिथिले। उत्तर, 1218 मसीहारे। प्रश्न पांच, मध्य एशियार केउं दुर्दश मंगोल वीर केबे प्रथम थर पई भारत आक्रमण करी इल्तुतमिशंक साम्राज्यर द्वार देशरे उपस्थित होइथिले। उत्तर, चेंगिज खान 1221 मसीहारे। प्रश्न छ, किए कुतुब मीनार निर्माण करिथिले। उत्तर, कुतुबुद्दीन आइबाक। प्रश्न सात, केबे ओ केउ राजांक द्वारा कुतुब मीनार निर्माण कार्य समाप्त होइथिला। उत्तर 1231 रु 1232 मसीहारे इल्तुतमिशंक द्वारा। प्रश्न आठ, किए एवं केउं उपाधिरे इल्तुतमिशंकु अभिषिक्त करिथिले। उत्तर, बागदादर खलीफा अल मुस्तान सिर बिल्हा सुल्तान ई आजम उपाधिरे। प्रश्न नौ, इल्तुतमिश केउं भाषार लिपि खोदित करि रौप्य मुद्रा प्रचलन करिथिले। उत्तर, आरब लिपि। प्रश्न दस, केबे इल्तुतमिश शेष निश्वास त्याग करिथिले। उत्तर, 1236 मसीहारे। प्रश्न एगार, केते वर्ष धरी
ଦାସବଂଶର ଶାସକ ଇଲତୁତମିସ୍ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର 25 ବର୍ଷ ଧରି। ପ୍ରଶ୍ନ 12, ଇଲତୁତମିସ୍ଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ। ପ୍ରଶ୍ନ 13, ଇଲତୁତମିସ୍ଙ୍କ କନ୍ୟାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ରେଜିଆ। ପ୍ରଶ୍ନ 14, ରେଜିଆ କେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1236 ମସିହାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 15, କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏବଂ କିଏ ରେଜିଆଙ୍କୁ କାରାରୁଦ୍ଧ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1240 ମସିହାରେ, ଇଲତୁତମିସ୍ଙ୍କ ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ବହରମ୍ ଶାହ। ପ୍ରଶ୍ନ 16, 1246 ମସିହାରେ କିଏ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଇଲତୁତମିସ୍ଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁତ୍ର ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମାମୁଦ। ପ୍ରଶ୍ନ 17, କିଏ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମାମୁଦଙ୍କ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ। ପ୍ରଶ୍ନ 18, କେବେ ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1266 ମସିହାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 19, କାହାକୁ ଯୌବନାବସ୍ଥା ପରେ ମଙ୍ଗୋଲମାନେ ବନ୍ଦୀ କରି ଗଜନୀକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନଙ୍କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 20, 40 ବାହିନୀ ବା ଚିହାଲଗାନି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଇଲତୁତମିସ୍। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।